मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ बयान, शाही ईदगाह के सर्वे को लेकर कहा हम कोई और मस्जिद नहीं देंगे, ये मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं। सड़कों पर लड़ाई लड़ी जाएगी, 2024 को लेकर मुसलमान को एकजुट करना है, कांग्रेस समेत किसी भी पार्टी को भी सीधा समर्थन नहीं, बीजेपी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाए। मौलाना तौकीर रजा ने यह बयान दिया है और कहा है कि एक भी और मस्जिद नहीं देंगे, 2024 के लिए देश के तमाम मुसलमानों को एकजुट करेंगे, बीजेपी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर बैन लगा दे। यह बयान मौलाना तौकीर रजा ने दिया है। दरअसल शाही ईदगाह के सर्वे को लेकर मौलाना तौकीर रजा से बातचीत की गई और उस दौरान ये बातें उन्होंने कही। शाही ईदगाह के सर्वे को लेकर कहा कि एक और मस्जिद नहीं देंगे। कराइए, खूब कराइए, लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप हजारों सर्वे कराएंगे, लाखों मस्जिदों की लिस्ट लेकर बैठे रहेंगे, इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्म का जो नशा सूंघा दिया गया है, जो चरस पिलाई जा रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबरी मस्जिद को सब्र किया गया है, अब हम सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार हैं, अब हम अपनी कोई मस्जिद देने के लिए तैयार नहीं है। सीधी कोशिश हमारी ये है कि एक तो मुस्लिम वोटों में बंटवारा नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है मुसलमानों में बंटवारा करने की, अर्दालों और अशराफ का जो चक्कर उन्होंने चलाया है। तो रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस हमने 10 साल पहले भी आजमाई है, उससे पहले की बात नहीं करता मैं, मनमोहन सिंह के 10 साल मुझे याद हैं, जिन 10 सालों में मुझे याद है कि सच्चा आयोग की रिपोर्ट को किस तरह कूड़ेदान में डाला गया, बटला हाउस इनकाउंटर की जांच नहीं कराई गई। ऐसे हजारों सवाल हैं जिनका जवाब जब तक कांग्रेस नहीं देती है, कांग्रेस को माफ नहीं किया जा सकता। कतई हमारी शर्तों पर जो राजी होगा उसकी हिमायत की जाएगी, उसकी तायद की जाएगी, और सिर्फ वादे से हमारा काम नहीं। और बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद दुबे जी, शाही ईदगाह में सर्वे को लेकर मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं कि एक और मस्जिद नहीं देंगे और 24 के लिए देश के मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे। देखिए, तौकीर रजा के पुराने बयान भी आप उठा के देख लीजिए, ये लोग हमेशा जो है समाज को बांटने वाले, भड़काऊ और इस तरह के बयान देते रहते हैं। और देखिए, देश में संविधान है, कानून है और उनका पालन करने वाली संस्थाएं हैं, कोर्ट है, एजेंसीज हैं, और ये सारे अपना अपना काम कर रहे हैं। देश में जो भी काम हो रहा है वो संवैधानिक तरीके से और कानून के दायरे में हो रहा है, इसलिए यहाँ सब लोग सुरक्षित हैं, सबके मान सम्मान और सबके जो प्रतीक हैं, सबके जो मान्यताएं हैं, सबकी रक्षा जो है संविधान में जो चीजें दी गई उसके हिसाब से हो रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस तरह के बयान देते हैं, समाज को बांटने की कोशिश करते हैं और कुछ राजनीतिक दलों के इशारे पर इस तरह की चीजें करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर बैन लगा देना चाहिए। देखिए, मौलाना तौकीर रजा क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और दिए जो चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो, एक सामाजिक संगठन है और अब समाज में अलग अलग क्षेत्रों में काम करते रहते हैं और इन्होंने तमाम जगह बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए हैं। तो इस तरह ये वही वाली भाषा है जिस तरह से कांग्रेस की भाषा वहां थी कर्नाटक में, उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है यहाँ भी किया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो है, अब मैंने पहले भी कहा कि 2014 से पहले जो है तमाम नकारात्मक शक्तियां जो हैं वो उत्तर प्रदेश में एक नकारात्मक माहौल बनाने का कुत्सित प्रयास कर रही है, लेकिन जनता इन सभी को अच्छी तरह से जानती है कि इनका ना तो किसी धर्म से लेना देना है, ना किसी मान्यता से लेना देना है, ये सब जो है वो राजनीतिक इशारेबाजी का काम करते हैं और राजनीतिक तौर पर जो है वो बयानबाजी करते हैं और ऐसी बयान देने की कोशिश करते हैं जिससे समाज में विघटन हो, समाज में फूट पैदा हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ जो कुछ भी होगा वो नियम कानून के दायरे में होगा और किसी को भी किसी के भावनाओं से खेलने की और किसी भी तरह के कानून को तोड़ने की इजाजत नहीं। शुक्रिया आनंद दुबे जी हमसे बातचीत के लिए। तो तौकीर रजा का ये विवादित बयान, जिस पर बीजेपी ने कहा कि ये सीधे तौर पर समाज में भड़काने वाला बयान है और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद एक सामाजिक संस्था है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।